Yep, Baba Ji. Wow. So tasty. But ye mom's kitchen ka hai? Taste mein best, mummy aur Everest. Saloon. एक एवी जग्या जहाँ माणस सोमथी शनि भूलो पड़े ना पड़े रविवारे तो पड़ी जाए जहाँ मळे निरांत वाली चंपी गपाटा वाली शेविंग अने आराम वाळू कटिंग जहाँ रंगबेरंगी पात्रों लावे जात जातना टेंशन अने अमारी खुर्शीनू रिलैक्सेशन बने एमनू सॉल्यूशन आ जग्यानू कमिटमेंट ज एवुं छे ने साहेब के वाळनो कलर भले बदलाई जाए पण वाळ कापवा वाळो कदी ना बदले આવું જ એક સલૂન છે હેરકટ ના 100 હેરકટ સ્ટીમ સ્પા મેગા કોમ્બો ના 400 હેરકટ ફેશિયલ સ્ટીમ સ્પા મસાજ ડમ્બો કોમ્બો ના 700 એક રાત માટે તારી દુકાન ના કેટલા બોલો આ કાતર નો કલાકાર તમારી શું સેવા કરી શકે છે ગઈકાલે 2000 નો ધંધો થયો જેમાં તમારું યોગદાન ફક્ત 400 રૂપિયા હતું વ્યાજ વખતે નો કકડાટ નોલેજ લેવાના સપના જોયા હોત તો અત્યારે કોઈક સારી કોલેજમાં હોત જે કરવું હોય તે કદી કરવા દીધું છે કયા બુદ્ધિનો બળદિયો બોમ્બે ટુ સુરત વાયા અમદાવાદ જાય અત્યારે મોમાં આયેલા છે તારે ફેશિયલ કરાવવા જઈએ આપણી તો હેર કટિંગ ની વાત થયેલી ને તમારી વાત માનું દોસ્ત નથી માનવી મારે તારી વાત પપ્પાને વિયર્ડ બિલકુલ નથી પસંદ આ ભાઈનું બહુ લાંબુ ચાલે નહીં ડી અંડરસ્કોર પ્રેશર સાઇનિંગ આઉટ બે માત બોબી સની તો પપ્પાનું નામ ધર્મેન્દ્ર હશે નહીં પરફેક્ટ ને प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार के कई मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सदानंद गौड़ा के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे कोरोना की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री कई मंत्रियों के साथ छोटी छोटी बैठकें लेकर फीडबैक ले रहे हैं ये बैठक भी उसी का हिस्सा थी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी को लेकर माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के काम पर पार्टी फीडबैक दे रही है अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां खुद घिर गई हैं मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने घोटाले के आरोप खारिज कर दिए अंसारी ने कहा कि जमीन पर उनका अग्रीमेंट 2011 में हुआ था ऐसे में सिर्फ 10 मिनट में कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो जाने के आरोप झूठे हैं इसमें हम यही कहना चाहते हैं जो माननीय पवन पांडे नारायण पांडे मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है और संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल ही गलत है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज घोटाले के आरोप दोहराते हुए इसकी सीबीआई और ईडी जांच की मांग की करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि झूठे आरोप लगाने वाले नेताओं पर वो मानहानि का मुकदमा करेगी तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले ही बयान में जमीन खरीदी का पूरा ब्यौरा देते हुए घोटाले के आरोप खारिज कर चुका है राम मंदिर की जमीन खरीदी विवाद सियासी मुद्दा बन गया है आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाने साधे सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया श्री राम स्वयं न्यास है सत्य है धर्म है उनके नाम पर धोखा अधर्म है कांग्रेस ने जमीन खरीदी की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की इस पर सीधा साधा हमको जवाब चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में आपने कैसे खरीदी ये आस्था पे हमारे चोट है शिवसेना ने कहा राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप गंभीर हैं। ट्रस्ट ने जो ट्रस्ट के मुखिया है सामने आकर बताना चाहिए लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए जवाब में बीजेपी ने कहा जमीन खरीदी पर विवाद खड़ा करना भी राम मंदिर के निर्माण को अटकाने की नई साजिश है तक सब कुछ वाइट में हुआ है सब कुछ अकाउंट में गया है सब कुछ बिल्कुल बही खाते के अनुसार हुआ है कोई भी अन अकाउंटेड कैश अर्थात हवा